हेलो दोस्तों, पीपी किट के बारे में तो आप जानते होंगे। कोरोना काल में पीपी किट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। आज हम आपको बताते हैं पीपी किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। विदेशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना व्यवसाय के चलते आप जानते हैं क्या स्थिति है। वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अपनी जान हथेली में रखकर कोरोना संक्रमण से बचा जा रहा है और इसका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमण का इलाज करने के लिए विशेष तरह की सावधानियां बरतते हैं, उसमें पीपी किट का इस्तेमाल किया जाता है। पीपी किट का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट है। तो दोस्तों, इसमें फेस कवर, मास्क, ग्लव्स, चश्मे, N95 मास्क, गाउन या सूट, हेड कवर आते हैं और पैरों का कवर भी आता है। इसको बनाने के लिए दोस्तों आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फीट तक की जगह चाहिए। तो इसमें कुल लागत है, इसके लिए आपको मशीन चाहिए और कपड़ा चाहिए। इसको आप 5 से 15 लाख रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं, जो मशीनरी पे डिपेंड करता है। मशीनरी के लिए इंडियामार्ट.com सर्च कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है। ये स्पेशल किस्म का एक नॉन वोवन कपड़ा होता है जो वायरस बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है। यह रॉ मटेरियल अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ जिस हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं वह है स्प्लैश प्रूफ। यह मेडिकल ग्रेड का नॉन वोवन फैब्रिक होता है। इसके लिए आप इंडियामार्ट.com सर्च कर सकते हैं या गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको इसके विभिन्न सोर्सेस मिल जाएंगे। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन। आपको अपनी कंपनी को ROC में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आपको व्यवसाय के लिए स्थानीय प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा। आपको पैन कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए जो करंट बैंक अकाउंट होगा। आपको GST लेना पड़ेगा, कंपनी का लोगो बनवाना पड़ेगा ताकि आपके ब्रांड की कोई कॉपी ना कर सके। और मशीनों के लिए इंडियामार्ट सर्च कर सकते हैं, जहां आपको सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक और मैनुअल मशीनें भी मिल जाएंगी। मैनुअल मशीनें सस्ती होती हैं, जिसमें आप और भी कम रेट में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको खास किस्म की पैकेजिंग में इसको पैक करके मार्केटिंग करनी होगी। पीपी किट की पैकेजिंग के साथ ही उसकी ब्रांडिंग करना जरूरी है, क्योंकि बिना ब्रांडिंग के आप इस व्यवसाय की मार्केटिंग नहीं कर सकते। केंद्र सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई है कि पीपी किट की हमारे देश में प्रतिपूर्ति हो जाती है तो इसे विदेशों में निर्यात किया जा सकता है। तो दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।